नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं आपके साथ निशा भिदोड़ी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चीन से। चीन में कोरोना वायरस के कारण 38 और लोगों की मौत हो जाने के साथ साथ इस विषाणु की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। वहीं चीन समेत दुनिया भर में इस रोग से पीड़ित कुल मरीजों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई है। मृतकों और मरीजों की बढ़ती संख्या देख भारत समेत दुनिया भर में देश जो हैं वो दहशत में आ गए हैं। भारत समेत चार देशों यानी कि ब्रिटेन, रूस, इंडोनेशिया और म्यांमार ने चीन की उड़ानों को रद्द कर दिया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे चीन की यात्रा करने से बचें। भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने दिल्ली शंघाई उड़ान को 31 जनवरी से 14 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया है। इंडिगो एयरलाइंस ने भी घोषणा कर दी है कि 1 फरवरी से 20 फरवरी तक बेंगलुरु होंगकोंग रूट की फ्लाइट और दिल्ली से चेंगूत की विमान सेवा रद्द रहेगी। इंडिगो ने बताया कि कोलकाता और गुआंगझू की फ्लाइट सेवा जारी रहेगी और इसकी सख्ती से निगरानी की जा रही है। एयर इंडिया और इंडिगो ने कॉकपिट सदस्यों के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा के दौरान N95 मास्क पहनने का निर्देश दिया है। तो वहीं नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बीच अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR के खिलाफ रणनीति बननी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अगले महीने अपने सभी सांसदों, पार्टी सचिवों और राज्य प्रभारियों की मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस ने दिल्ली में 4 फरवरी को शाम 6 बजे एक बैठक बुलाई है जिसमें NPR पर चर्चा की जाएगी। CAA की तरह NPR का भी विरोध कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल कर रहे हैं। इस बीच NPR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इस संबंध में शीर्ष कोर्ट केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है और अब देखना होगा कि केंद्र की तरफ से किस तरह का जवाब दिया जाता है। वहीं अपराध शाखा की SIT देश से असम को अलग करने का देश विरोधी भाषण देने वाले शर्जील इमाम से PFI के से संबंधों को लेकर पूछताछ कर रही है। SIT उसके मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये जांच कर रही है कि उसकी मानसिकता को जानने और समझने का भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि शर्जील इमाम कहीं किसी आतंकी संगठन से प्रभावित तो नहीं है। इस मामले पर स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा ने उससे चाणक्यपुरी स्थित अपराध शाखा के कार्यालय में काफी देर तक पूछताछ की। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शर्जील ने पूछताछ के दौरान जामिया नगर और UP के अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने की बात कबूल की है। उसने कहा कि उसने पहले से कोई लिखित भाषण तैयार नहीं किया था और मंच पर सीधे आकर देश विरोधी और भड़काऊ भाषण दिया। दरअसल अपराध शाखा ये भी जांच कर रही है कि कहीं शर्जील की को किसी ने ऐसे भाषण देने के लिए उकसाया तो नहीं था। और अब बात बीजेपी की। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने एक बार फिर शाहीन बाग में नागरिकता कानून को लेकर चल रहे प्रदर्शन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर आम आदमी पार्टी ने 5 साल में अस्पताल, फ्लाईओवर, कॉलेज, सड़कें और स्कूल बनाए होते तो पार्टी को शाहीन बाग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं उन्होंने कहा कि अब जब पार्टी ने शाहीन बाग बना ही लिया है तो हम दिल्ली वाले शाहीन बाग के साथ साथ मुख्यमंत्री निवास भी खाली करवाएंगे। हालांकि पहली बार नहीं है जब कपिल मिश्रा ने विवादित ट्वीट किया हो, विवादित बयान दिया हो। अक्सर उनके विवादित बयान, विवादित ट्वीट चर्चा का विषय बने रहते हैं। हालांकि जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो उस वक्त भी उनके जो विवादित बयान थे, विवादित ट्वीट थे, वो अरविंद केजरीवाल के लिए भारी पड़ रहे थे। हालांकि अब देखा जाए तो बीजेपी में है और बीजेपी में होने के बाद वो लगातार विवादित ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं,
जाने अनजाने में वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार कपिल मिश्रा के ऐसे बयानों को खारिज करती रही है। वो कहती रही है कि कपिल मिश्रा की जो मानसिकता है वो नीचे गिर चुकी है, वो इस तरह के बयान देकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कपिल मिश्रा लगातार ऐसे बयान देकर अपनी राजनीति को चमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते आगे, देश की राजधानी दिल्ली में जब भी चुनावी हलचल होती है तो उसकी गूंज पूरे देश तक पहुंचती है। आपको बता दें कि शाहीनबाग में जारी प्रदर्शन को बीजेपी ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों का जिक्र बीजेपी नेताओं के हर भाषण और ट्वीट में देखने को मिलता है। वहीं रोजाना इन्हें नई उपाधि भी दे दी जाती है। बता दें, दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा लगातार शाहीनबाग के मसले को उठा रहे हैं और इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर हमला करते हुए उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और उनकी तुलना हथियारों और रेपिस्ट से कर दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से में कश्मीर जैसी स्थिति बन रही है, वहीं वहां बैठे लोग यानी कि वहां बैठे लाखों लोग आपके घर में घुस जाएंगे और मां बहनों का रेप करेंगे, हत्या कर देंगे। तो आपको बता दें कि लगातार शाहीनबाग पर बीजेपी नेताओं के विवादित बयान, विवादित ट्वीट लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक से बढ़कर एक यहां पर देखने को मिल रहा है। कपिल मिश्रा के बाद अब प्रवेश वर्मा सांसद हैं दिल्ली से, उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि शाहीनबाग में जो लोग बैठे हैं, लाखों लोग, वो आपके घर में घुस आएंगे, आपकी मां बहनों के साथ रेप करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। एनसीपी कांग्रेस के बीच लंबे अरसे से दोस्ती है, लेकिन अब एनसीपी के एक मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर ऐसा बयान दिया है जिससे गठबंधन के बीच तकरार हो सकती है। एनसीपी कोटे से उद्धव सरकार में मंत्री जितेंद्र अवहट ने कहा कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने उनको मात दी थी। दरअसल महाराष्ट्र के बीड में एक जनसभा के दौरान अवहट ने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी लोकतंत्र का गला घोटा था, कोई भी उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। तब अहमदाबाद और पटना के छात्रों ने उनके विरोध में प्रदर्शन किया और उन्हें हराने के लिए जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई। अब महाराष्ट्र की बदलती राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि देश में यह इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। उधर बिजनौर से कानपुर तक गंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान 1,199 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक गंगा यात्रा जारी रहेगी। वहीं 29 जनवरी को गंगा यात्रा बदायूं जिले में पहुंची। बदायूं में प्रवेश होते ही जगह जगह पुष्प वर्षा, बैंड बाजों और मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कई प्रदर्शनी में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन प्रहलाद पटेल समेत तमाम नेताओं और मंत्रियों ने इस प्रदर्शनी में शिरकत की। बदायूं जिले के 41 गांव में होती हुई भव्य गंगा यात्रा बुधवार को कछला गंगा घाट पहुंची। वहां पर भी लोगों का उत्साह जबरदस्त देखने को मिला। मुख्य कार्यक्रम कछला घाट पर ही आयोजित हुआ। कार्यक्रम समापन के पश्चात गंगा यात्रा ने आगे के लिए प्रस्थान किया, लेकिन जिस तरह से बिजनौर से कानपुर तक गंगा यात्रा निकाली जा रही है, भव्य स्वागत जगह जगह देखने को मिल रहा है, वो सच में दिलचस्प है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का संकल्प दोहराया था कानपुर की धरती पर, और उसके पहले भी सबको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा गंदा नाला कानपुर में था। अगर कोई सफलता है मोदी जी की और योगी जी की कि एक भी बूंद गंदगी की अब मां गंगा में नहीं जाती है। वही यूपी सरकार की सबसे बड़ी मुहिम गंगा स्वच्छ अभियान है। गंगा सफाई को लेकर नेताओं का एक दूसरे पर तीखा हमला कोई नई बात नहीं है। लगातार इस तरह के हमले देखने को मिलते हैं। अब विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने
बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि गंगा से उनका कोई मतलब नहीं, गंगा समाजवादी है, हम समाजवादी हैं। वहीं बिजनौर से लेकर बलिया तक गंगा यात्रा के नाम पर किए जा रहे विज्ञापन पर राम गोविंद चौधरी ने कहा कि गंगा यात्रा के नाम पर करोड़ों रुपए की बर्बादी हुई है, उसका हिसाब कौन देगा। हालांकि राम गोविंद चौधरी ने जिस तरह से बीजेपी पर हमला बोला है, अब ये देखना होगा कि अब बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन गंगा यात्रा के नाम पर जो करोड़ों रुपए का बर्बादी हुई है, उनका हिसाब कौन देगा। आपको याद होगा जाके गांव में पूछिएगा, जबरिया प्रधानों से 10 कोटी का पैसा पूछा गया और हम तरह सही तो नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास सूत्रों से हमको पता चला है कि बिजनौर से लेकर बलिया तक जो होल्डिंग लगी है 80 करोड़ रुपया की लगी। तो क्या इसका पैसा है, उतने में कितने गांव बता दिए गए। गंगा माँ को साफ कर रहे अरबों रुपया खर्च कर दिए, आगमन दो आगमन चाहिए। तो वहीं यूपी में शिक्षा को लेकर सरकार के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। हालिया मामला बलिया जिले का है, जहां सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी के तहत शिक्षकों को भारी भरकम वेतन भी दिया जाता है, लेकिन तनख्वाह पाने वाले शिक्षक क्या खुद शिक्षित है। ये बात उस समय सवालों के घेरे में आई जब बलिया डीएम ने खुद एक स्कूल में जाकर वहां के टीचरों से सवाल जवाब किया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही उच्च प्राथमिक विद्यालय में अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिक्षकों से बेसिक सवाल किया तो कोई भी शिक्षक उनके सवालों का जवाब नहीं दे सका। इस दौरान हैरानी की बात यह रही कि डीएम के जिस टेस्ट को गुरुजी नहीं पास कर पाए, उसे उनके स्टूडेंट ने आसानी से पास कर लिया। तो ये एक सवाल हमने बच्चों से पूछा है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये चार अंक हैं, चार संख्याएं हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। बच्चों ने बताया कि 1/2 सबसे बड़ा है, 4/5 सबसे छोटा है। तो मैडम ने यह बताया कि ये सही जवाब है इनका, तो मैं जरा समझना चाह रहा हूं अपनी जानकारी के लिए कि कैसे ये तय करेंगे कि ये कौन छोटा है कौन बड़ा। आप लोग इसको बता सकते हैं, कोई भी चीज का जैसे कोई एक ये एक भाग है, इसका ये दूसरा दो दो भाग हो जाएगा, ये दो चीज दो का है इसका तीन भाग हो जाएगा, ये तीन है उसका चार भाग हो जाएगा, ये चार है इसका। तो चार है उसका पांच भाग होगा, तो कैसे तय कैसे होगा कौन बड़ा है कौन छोटा, उसको दिया जाएगा सबका। अरे गांव में कोई है भाई मैथ वाला बाहर। तो दूसरी खबर भी बलिया की है, बलिया के गिरते शिक्षा स्तर की कहानी बयां कर रही है, जिसके मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद की तरह से संचालित परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच हुई। उस दौरान कुल 26 शिक्षकों की सेवा बीएसए शिवनारायण सिंह ने समाप्त कर दी है। दरअसल जांच के दौरान इन सभी अध्यापकों के दस्तावेज फर्जी पाए गए। फर्जी शिक्षकों की सूची में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि फर्जी शिक्षकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। दरअसल कई स्थानों से शिकायत मिलने के बाद संबंधित शिक्षकों की तरफ से भी जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार कुल सभी शिक्षकों पर FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें जो 24 लोग अध्यापक थे भिन्न भिन्न ब्लॉकों के जो है,
और उस तरह से ये लोग फर्जी इनके अंक पत्र पाए गए, सत्यापन कराया गया था, सत्यापन में इनके अंक पत्र फर्जी पाए गए थे, फर्जी अंक पत्र के आधार पर जो है इन लोगों के खिलाफ FIR कराया गया, सेवा समाप्त की गई है प्लस FIR कराया गया। और इनका सेवा समाप्ति 16-17 में संभवतः हो चुका था, ये पूर्व BSA राकेश सिंह थे, ये पूरे BSA राकेश सिंह के समय उस समय के आदेश हुआ था, तो उस समय चूंकि FIR नहीं हो पाया था तो FIR इस समय कराया गया। कितने लोगों पर सर FIR हुआ है अभी तक? इस समय जो है कम से कम 7 लोग बचे हुए हैं, गढ़वार और सोहाव से तो भी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। क्या इनमें जांच में क्या पाया गया था, क्या फर्जी ये लोग क्या लगाया? अंक पत्र सत्यापन कराया गया था, अंक पत्र इन लोग फर्जी पाए गए थे, वहां से लिख करके आया था सत्यापन रिपोर्ट पर कि अंक पत्र फर्जी है। क्या सर इन लोगों का वेतन भी रिकवरी होगा? हाँ, वेतन रिकवरी का आदेश उस पर लिखा हुआ है, वेतन रिकवरी जो कराया। और अब बात उत्तर प्रदेश के ललितपुर की। ललितपुर में गांधी जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसी घंटाघर प्रांगण पर धरना प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन जिले में धारा 144 लागू होने के चलते कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिस पर कांग्रेसियों का कहना है कि हम सिर्फ माल्यार्पण करना चाहते थे और यहाँ पर आए थे, लेकिन घंटाघर की चाबी शासन द्वारा नहीं दी जा रही है। इसका विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, जिस उपलक्ष्य हम सभी कांग्रेस जन घंटाघर पर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आए हुए थे, जहां पर पहुंचने पर यह ज्ञात हुआ कि नगर पालिका द्वारा गांधी प्रतिमा के गेट की चाबी नहीं दी जा रही है। उसके बाद जिला प्रशासन के पुलिस प्रशासन द्वारा इस बात का हवाला दिया गया कि एक से ज़्यादा 5 से ज़्यादा अधिक लोग इकट्ठे ना हो, 144 धारा लगी हुई है, जबकि हमारा कहना यह है कि राष्ट्रपिता बापू की पुण्यतिथि मनाने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। पूरे देश में यह पुण्यतिथि मनाई जा रही है। अगर जिला प्रशासन का यह कहना था कि यहाँ पर 144 धारा लगी हुई है, तो जिला प्रशासन यह स्पष्ट करे कि पूरे देश में कहीं पर भी बापू की पुण्यतिथि मनाने के लिए एक भी ऑर्डर किसी भी SDM का 144 के संबंध में अनुमति पत्र हो तो पेश करे, अन्यथा इस कृत्य के लिए बापू के माल्यार्पण करने के रोकने के लिए सभी लोगों से माफी मांगे। मेरठ के थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के मुरलीपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। दरअसल महिला घर में गैस पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी, उसी दौरान सिलेंडर फट गया जिससे मकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, हादसा इतना भयावह था कि मकान की छत भी फट गई, तो वहीं गनीमत ये रही कि कोई भी घायल नहीं हुआ। बता दें कि हादसे की जानकारी मिलने के बाद जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। सुबह 5 बजे बहू ने दूध गर्म करा, चूल्हा बंद कर दिया, कोई आग नहीं किसी किस्म की कुछ भी, अपने आप सिलेंडर पे आग दिखाई दी, ऐसे भगदड़ मची, इतना आग उठ गई पूरी तकड़ी। वही AMU में विवादित बयान देने के आरोप में गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। कफील खान को गिरफ्तार करने के लिए UPSTF लगाई गई थी, जिस पर सवाल भी उठ रहे थे। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए यूपी की DGP OP सिंह ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि उन्होंने हेट स्पीच दिया था और उनके विरोध मुकदमा भी दर्ज किया गया था, हम लोग उनको ट्रैक कर रहे थे, SDF को ये काम दिया गया था। अब कफील को अलीगढ़ लाया जाएगा जहां पर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पढ़ते आगे, सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब दिव्यांग और असहाय लोगों को रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मामला यूपी के सीतापुर थाना तंबोर स्थित एक कॉलेज परिसर का है, जहां सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के द्वारा एक नई पहल की गई, 500 गरीब दिव्यांग और असहाय लोगों को रजाई वितरण की गई। वही कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रात के समय कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा हो तो उसे रजाई और कंबल देकर उसका सहयोग करें,
ताकि कोई भी व्यक्ति दिव्य आपदा का शिकार ना हो। साथ ही सांसद राजेश वर्मा ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सीए और एनआरसी के बारे में पूरी जानकारी भी दी। और कितनी लोगों को लाभ मिला है? रजाई वितरण का कार्यक्रम आज सुबह 9 बजे बसंतापुर गांव के बेटा ब्लॉक का गांव है उसके स्कूल के प्रांगण में हम लोगों ने जाकर दिया है सुबह 9 बजे। और वहां पर विशेष रूप से जो कटान और बाढ़ से पीड़ित थे जी, उन लोगों को हम लोगों ने प्राथमिकता दी। विशेष रूप से विकलांग और बूढ़ी हमारी माताएं बहने ऐसी तरह की जो विधवाएं थी, इस प्रकार से लोगों को वितरित किया है। और माननीय विधायक श्री सुनील वर्मा जी भी साथ में थे, बहुत खुश होकर के लोग गए हैं। और ऐसे मौके पर हम लोगों ने दोनों कैंपों में लोगों को सीएए से भी परिचित कराया है। नागरिकता संशोधन विधेयक हम लोगों का जो एक बड़ा कार्यक्रम है उसको हम लोग ईमानदारी निष्ठा से संचालित भी कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों को बताने की काम कर रहे हैं। ये नागरिकता संशोधन विधेयक किसी को नागरिकता देने की बात करता है जी, किसी को लेने की बात नहीं करता है। उधर अगले 3 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। अगर आप भी बैंक से जुड़े काम को निपटाने के लिए वीकेंड का इंतजार करते हैं तो आप बैंक से जुड़े काम को जल्द खत्म कर लीजिए। दरअसल शुक्रवार और शनिवार को बैंकों की हड़ताल है, इसके अलावा 2 फरवरी को रविवार है। यही वजह है कि बैंकों का कामकाज ठप रहेगा। देखा जाए तो 3 दिन तक बैंक बंद रहने से जनता को परेशानी होने वाली है। वहीं हड़ताल की वजह से एटीएम मशीनों में भी कैश की किल्लत हो सकती है। तो कुछ दिनों पहले अजय देवगन ने अपनी फिल्म मैदान का एक पोस्टर शेयर कर फैंस को टीज किया था। इस फिल्म के पहले लुक से अजय देवगन ने पर्दा उठा दिया है। आपको बता दें कि फिल्म मैदान में अजय देवगन भारतीय फुटबॉल के महान कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं। पोस्टर में अजय के साथ फुटबॉल टीम के अन्य खिलाड़ी खड़े हैं। इस पोस्टर के साथ अजय ने लिखा है, ये कहानी भारतीय फुटबॉल के गोल्डन फैंस की और उसके सबसे बड़े और सक्सेसफुल कोच की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।